तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मंगलवार को हुई गिरफ्तारी और बाद में दी गई जमानत के बाद उनके बेटे नितेश राणे ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। नितेश की ओर से पोस्ट यह वीडियो फिल्म राजनीति का एक सीन है। इसमें एक्टर मनोज वाजपेयी चेतावनी वाले लहजे में डायलॉग बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। करारा जवाब मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री राणे को मंगलवार रात रायगढ़ जिले में महाड़ की एक अदालत में जमानत दे दी है। उनके खिलाफ सीएम उद्धव को लेकर विवादित टिप्पणी करने के लिए महाराष्ट्र में 4 FIR दर्ज की गई थी। राणे को दोपहर में गिरफ्तार किया गया था और रात 9:45 पे उन्हें शेख बाबासो एस पाटिल की कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद उन्होंने जमानत दी गई। इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 31 अगस्त और 13 दिसंबर के रत्नागिरी पुलिस स्टेशन में जांच के लिए मौजूद रहना होगा। कोर्ट ने राणे को भविष्य में इस तरह के अपराध से बचने की चेतावनी भी दी है। राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यह भूल गए थे कि देश की आज़ादी को कितने साल हुए हैं। राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा था, यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह पता नहीं है कि आज़ादी को कितने साल हो गए हैं। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे, अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। राणे अपनी इस टिप्पणी के बाद विवादों में घिर गए और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई शहरों में इसका विरोध प्रदर्शन किया है। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा।